गाइस तुम आपका जाना पहचान है इसके शर्मा जी, नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो अब सुन लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर चैनल पे नए हो तो। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं यहीं से। तो आज मैं दिल्ली जाऊंगा दोस्तों, क्योंकि आज मेरे को लगभग हो गए हैं 10 दिन, क्योंकि मैं आ गया था 27 तारीख को, मैं आ गया था 6 तारीख हो गया, अप्रोक्सीमेट 9 दिन हो गए हैं मेरे को। तो अभी आज दिल्ली जाऊंगा दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए पढ़ाई के भी। लेकिन गाइस 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 रुको रुको रुको, खाना खाने से पहले फिर आप बोलोगे भाई तू दिल्ली चला गया तो मम्मी वाली वो दवाई तो बतला के लीन लेके आया तो अभी तक, तो गाइस ये काम तो रह ही जाएगा, फिर मैं वापस दिल्ली से पता नहीं कब लौटूंगा। तो फिलहाल एक बार चलते हैं क्लिनिक, तो वहां से एक बार मम्मी की दवाई बदला के ले आते हैं गाइस। चलिए भाई, लोग बोलेंगे भाई तू जहाँ भी जाता है शॉर्ट शॉर्ट में चल देता है, तो भाई ये मेरी आदत है, मेरे को अच्छा लगता है कंफर्टेबल फील करना यार। चल रहे हैं, आ गए हैं संदीप स्किन एंड एलर्जी क्लिनिक पे। यहाँ पे कोई भी नहीं, पूरा का पूरा वार्ड खाली पड़ा है भाई। 4 दिन हो गए तंग होते हैं भाई, कभी यहाँ डॉक्टर नहीं मिलता, अभी यहाँ रिसेप्शनिस्ट भी नहीं है, बिल्कुल ही खाली पड़ा हुआ। पता नहीं दूसरे में चेक करते हैं, हर डॉक्टर को कॉल कर लेते हैं, अभी एक ही ऑप्शन है। हेलो हेलो, संदीप क्लिनिक से सर बताइए। मैं आपके क्लिनिक खड़ा था, अभी कोई है नहीं यहाँ पे। नारायण चौधरी की बात है क्या? हाँ, कहाँ से? हाँ तो उनको एलर्जी थी नहीं, तो एज इट इज रखी हुई है उनको। अच्छा हाँ, तो अभी परसों बात हुई थी ना, आप बोले मंडे को आ जाना, मतलब हाँ मैं आया था, कल भी आया था मैं, फिर आप थे नहीं कल। तो आप मेरे पास 11:30 बाद आ जाना, मैं कर दूँगा। ओके सर, तो फिलहाल आज भी नहीं हो पाएगी क्योंकि 11:30 के बाद की बात कर रहे हैं, तो फिलहाल 11:30 का मतलब तो काफ़ी लेट हो जाएगा मेरे लिए, तो मैं यहीं कुछ देखता हूँ आसपास। भाई मैं सोच रहा हूँ कि घर पे निकलते हैं क्योंकि दिल्ली भी जाना है मेरे को जल्दी ही, तो फिर क्या कुलदीप बदला ले जाएगा या फिर किसी और को मैं भेज दूँगा। तो आई एम सॉरी भाई, ये काम तो नहीं हो पाया, आप लोग शिकायत ज़रूर करोगे, लेकिन मैं क्या करूँ यार, मैं 3 बार आ चुका हूँ, फिलहाल नहीं बदलाई जा सकती, तो फिर मैं क्या ही कर सकता हूँ इस चीज़ के अंदर। तो फिलहाल घर को वापसी चलते हैं गाइस। चल पड़े घर की तरफ गाइस, ले गए अपना हीरो हांडा, तो मिलते हैं घर पे। तो भाई आ गए हैं काम में, ये अपना काम है चारों तरफ पे। लेकिन एक चीज़ है यार, जितनी खुशी मेरे को गाँव में मिलती है ना, उतनी मेरे को दिल्ली जाके नहीं मिलती है। मतलब यहाँ पे कूल कूल इन्वायरमेंट, आप देख लो यहाँ के 9:30 बज गए लेकिन अभी भी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सो स्वीट अमेजिंग। आगे घर पे पहुँच गया हूँ मैं फिलहाल, तो अभी खा लेते हैं कुछ खाना। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ लिक्विड ले लिया जाए, मिंट उसे छाछ में आने के बाद, मेरा पर्सनली फेवरेट, तो फिलहाल छाछ पी लेते हैं गाइस। रेगुलर में फिर से रोटी बना लाया हूँ गाइस, देखिए बिल्कुल गोल गोल रोटियाँ धीरे धीरे परफेक्शन आ रही है। तो फिलहाल अपने कपड़े वपड़े सब तैयार हैं, कपड़े वपड़े सब रख लिए, तो अभी पैकिंग करेंगे फिर चलेंगे दिल्ली, पहले खाना खा लेते हैं गाइस। मम्मी के लिए करते हैं दूध गर्म, मम्मी दूध से खाना खाएगी क्योंकि मम्मी को सब्जी खाना अलाउड नहीं है बुखार के अंदर, 4-5 दिन हो गए कंटिन्यू, तो फिलहाल दूध गर्म करते हैं मम्मी के लिए। 11:30 बज चुके हैं, तो फिलहाल डॉक्टर ने कहा था कि 11:30 वो आएंगे, तो मम्मी मान नहीं रही, मम्मी कह रही है कि फिर तो चला जाएगा तो कौन करेगा, कौन लेके आएगा, तो मैं फिलहाल वापस जा रहा हूँ गाइस। तो फिलहाल आज के दिन दूसरा चक्कर हो गया मेरा, आज के दिन दूसरा चक्कर हो गया, मतलब लेट्स गो गाइस। मैं दवाई बिल्कुल रिटर्न करके आ गया हूँ, पैसे ले आया हूँ मैं, पूरे के पूरे पूरे पैसे रिटर्न कर दिए गाइस, तो इसमें कोई भी डाउटफुल चीज़ नहीं थी मेरे लिए। सो अभी चलते हैं घर पर वापस, तो लेट्स गो गाइस। मैं पैसे ले आया हूँ वापस उससे, तो फिलहाल खाना खाते हैं गाइस। कूलर बिल्कुल मेरे सर के ऊपर, रात की उम्मीद देता है। A few hours later. नहा धोके हो चुका हूँ तैयार, तो मैंने जैसे बताया था कि आज दिल्ली जाने का पूरा पूरा प्लान है, यानी कि अब दिल्ली पहुँचना ही है। तो अभी फिलहाल अक्षय का भी कॉल आ चुका है कि अक्षय घर जा चुका है, तो फिलहाल रूम पे कोई नहीं मिलेगा, मैं पहले ही बता देता हूँ एज एक्सपेक्टेड। तो अभी नवीन आ रहा है बाइक लेके, तो अभी हम लोग निकलते हैं गाइस। तो अभी नादा भाई बोलेंगे ये क्या हुलिया बना रखा है, तो हुलिया भाई गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है, लुएँ चल रही हैं गाँव में, तो फिलहाल ये मुँह पे बांध के फिर चलेंगे। पापा बांध के तैयार हो गए गति, फिलहाल आने का वेट है, जैसे ही गर्म हवाएं लगेंगी अपना बांध के वो इतना नीचे, तो वही वेट कर रहे हैं। नारनौल रुक गए चैन रुकवाने के लिए, तो तब तक जूस पीते हैं। फिलहाल रुक गए नारनौल, तो नारनौल में अभी जूस पियेंगे, जूस ऑर्डर कर दिया, जूस आता तब तक पेटी जा रही है, पेटी में डालते हैं सॉस
उसके बाद पेड़ीज खाते हैं गाइस, तब तक जूस आ जाते हैं। गर्म कर दिए पेड़ीज, जूस आ गए तो पिता का और बनाना रखना। जूस पी लिया, रिंग लाइट के चैन लगवा ली, तो अभी चलते हैं बस स्टैंड से फिर गुड़गांव। और कितनी बड़ी कोल्ड ड्रिंक, इसको कौन कौन पिए गाइस। बैठ चुके हैं बस में, इसका दिन फिर से एडवेंचरस हो चुका है। वीरू आ रहा है पीछे से, तो हम लोग रेवाड़ी उतर गए हैं गाइस, क्योंकि वीरू आ रहा है गाड़ी लेके। तो हम लोगों ने टिकट तो गुड़गांव की कटाई थी, लेकिन फिलहाल हम लोग रेवाड़ी उतर गए हैं, तो रेवाड़ी से हम लोग जाएंगे वीरू के साथ। तो फिलहाल वीरू के आने का इंतजार हो रहा है, तब तक यहीं बस स्टैंड में मस्ती करते हैं गाइस। वीरू आए हैं अटेली, तो यहाँ रेवाड़ी आने में उसको लगेगा लगभग 45 से 50 मिनट। तो मैं आपको बता दूँ, मैं पहले रेवाड़ी रहा करता था, लगभग 6 महीने मैं रेवाड़ी रहा हूँ, तो यहाँ का चप्पा जानता हूँ मैं लगभग। तो फिलहाल मैं अपनी ओल्ड नगरी, ओल्ड मेमोरीज़ की तरफ जा रहा हूँ, तो मैं लगभग 3 साल बाद इधर आ रहा हूँ। तो फिलहाल चलते हैं सेक्टर 1 में, नेहरू पार्क में, जहाँ पे मैं अक्सर बैठा करता था। तो फिलहाल नेहरू पार्क में चलते हैं गाइस। ये देखिए नेहरू पार्क के अंदर आ गए हैं, जहाँ पे मैं पहले रहा करता था, 3 साल पहले मैं यहाँ रहा करता था। जान बसा करती थी इस एरिया में भाई, पूरा दिन मैं यहीं इंजॉय करता था। तो अभी यादें ताज़ा हो गई, आज मतलब अपॉर्चुनिटी मिली मेरे को, थैंक्स फॉर द टाइम, अच्छा लगा मेरे को ये सब चीज़ करने में। गाइस देखिए इस पार्क के अंदर घूमते थे। फिलहाल राउंड मार रहा हूँ उसी जगह जहाँ पे मैं अक्सर घूमा करता था, रेवाड़ी में गोलगप्पे खाने के लिए। तो ये देखिए जो पीएमजी मॉल के जस्ट सामने गाइस, पीएमजी मंदिर दिए हैं एपेंडिक में, जेटी लेके खड़ा हुआ है गाइस, देख गोलगप्पे। मैं ऑन द वे, भाई वीर गाड़ी चला रहे हैं, और ये जेटी को देखिए गाइस कैसे फैला पड़ा है गाड़ी के अंदर अकेला। कैसे इसकी बुक्कड़ में यार तेरा एक देसी राख है सारी सेना तेरे मेरे ख्याल पहुंच चुके उसी पीजी के अंदर अब फिलहाल अपने रूम पे, तो करते हैं एंटर अपनी वही पीजी। तो पहुंच गए गाइस उन्हीं गलियों में, उन्हीं रास्तों पर, सो वेलकम टू दिल्ली। पूछ के रूम पे, पूछ यहाँ पे पहले से मौजूद है, ये पूछ यहाँ पे पहले से मौजूद है, काल जेडी भी आ गए हैं। तो जेडी तो मेरे साथ ही आया, सबको पता है। तो रात के बज चुके हैं 10, तो अभी डिनर तो हो गया खत्म गाइस, तो अभी कुछ मैनेज करते हैं, देखते हैं। तो जैसा पता है पीजी में खाना खत्म हो चुका है, तो अभी बाहर खाने के लिए जा रहे हैं मैं और जेडी। फिलहाल पहुंच गए हमारे वन एंड ओनली फेवरेट महारानी ढाबे पे। तो अभी यहाँ पे हमने दाल फ्राई और तंदूरी रोटी ऑर्डर कर दी है गैस, तो अभी आने वाली है। शुरू करते हैं बटर लगा के, फिलहाल शुरू करते हैं।